गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। विद्या संबल योजना 40 दिन बाद भी आदेश नहीं, शुरू होने पर बना संशय। बेरोजगारों का बढ़ता इंतजार, 14 नवंबर को अचानक रद्द कर दी गई थी योजना। केंद्र सरकार में अभी 10.25 लाख से अधिक पद हैं खाली, 78 विभागों में 2.5 लाख लोगों की अगले साल नियुक्ति है वो होगी। फिर नेक्स्ट, 8वीं की परीक्षा मार्च में, आवेदन जनवरी से होंगे, परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेंगे मॉडल पेपर। लेवल वन के 22,551 पद खाली, नई भर्ती से 21,000 पद भरेंगे। रिजल्ट के 4वां बाद भी कंप्यूटर शिक्षकों को नहीं मिली पोस्टिंग, मार्च में होगी बोर्ड परीक्षा। राठौड़, सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐसा किया भी क्या है जिसके लिए उसका समर्थन है वो किया जाए। सरकार ने ऐसा क्या किया, सभी कर्मचारियों के संगठन आंदोलन पर उतर रहे हैं। बड़े पदों पर आसीन पूर्व विद्यार्थियों को लिखेंगे पत्र, स्कूलों में सहयोग के लिए करेंगे प्रोत्साहन, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने की पहल, शिक्षा सारथी अभियान चलाया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 अंग्रेजी में 59,866 अभ्यर्थी शामिल, RPSC कोर्स अंग्रेजी में 69.99, उर्दू में 71.01 उपस्थिति। ग्रुप सी की परीक्षा आज से 27 तक, 981 अध्यापक बने वरिष्ठ अध्यापक और 208 शिक्षकों की पदोन्नतियां लिफाफे में बंद। फिर शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति जरूरी, शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी, 82 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन, स्टेट मेरिट से होगा सिलेक्शन। 7 विभिन्न विषयों की मॉडल उत्तर कुंजिया वेबसाइट पर जारी, प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 शिक्षकों के 48,000 पदों पर निकली है वैकेंसी। जेई एडवांस में पात्रता स्पष्ट, NIT IIIT की पात्रता को लेकर असमंजस, आवेदन नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स। क्लेट परिणाम में हमारा कोई ना सानी, टॉप 100 में 40 राजस्थानी। आज के समाचार यही समाप्त। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।